हाय गाइस, मैं हूँ कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्यदर्पण सोलर। ये जो इंस्टॉलेशन है, मेरा पीछे जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ। आपको आई बटन में इसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो कुछ और चीज़ के लिए है। ये जो सेटअप है, ये बहुत पहले, करीब 3 साल पहले इसको इंस्टॉल किया गया है। हालांकि वीडियो कहीं काफ़ी देर से उसको दिया गया है, इसका वीडियो। ये जो सेटअप है, ये सेटअप में इनका जो चलता है, इंडक्शन कुकर चलता है, गैस सेव होता है, और इसके इसमें इनका जो घर का जो लोड है वो भी चलता है, और 5 आदमी का खाना पकता है इंडक्शन कुकर से। तो ये जो सेटअप है, ये करीब 3 साल से ये यूज़ कर रहे हैं। और इनके रिगार्डिंग, मतलब ये सेटअप के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स आया है ये जो लास्ट 3 साल ये यूज़ कर रहे हैं, और इसको क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा, क्या क्या मुसीबतें आई है, क्या कुछ हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैं इसका जो ओनर है मिस्टर शशांक भट्टाचार्य, तो इनसे मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ नीचे जाके। ये सोलर सेटअप का जो छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ, 500 पैनल है, 315 करके 315 वाट्स का 500 पैनल्स है। यहाँ पे करीब 1.5 या फिर 1.6 किलोवाट का पैनल्स है, और इसके साथ इसमें है फ्लिन का PWM इन्वर्टर जो कि है 3 किलोवाट का इन्वर्टर, और पैनल कैपेसिटी है 1.5 किलोवाट का। और इसके साथ इसमें बैटरी है एक साइड का 200Ah सोलर बैटरी, टॉल ट्यूबुलर 5 ईयर्स वारंटी वाला। तो चलिए देखते हैं शशांक जी क्या बोलते हैं इसके रिगार्डिंग, मिलते हैं नीचे शशांक जी के पास। सो अभी हमारे पास है मिस्टर शशांक भट्टाचार्य, तो जो ये सिस्टम का ओनर है, तो इनके घर में मैं ये सोलर प्लांट लगाया हूँ। तो हम इसको पूछेंगे कि इसका जो 2 साल का या फिर कितना, 3 साल हो गया, लगभग 3 साल हो गया, तो लगभग 3 साल का इनका अनुभव क्या रहा। मतलब मेन टॉपिक है कि यहाँ पे मेंटेनेंस क्या करना पड़ा इसको, ये जो सोलर सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, इससे इनको क्या परेशानी हुआ, क्या नहीं हुआ, और इसका मेंटेनेंस वगैरह क्या है, इसको पूछेंगे। तो शशांक जी, आप बताइए, आपको ये जो सोलर सिस्टम है इसको क्या अनुभव रहा, क्या सेविंग्स रहा, आप बताइए। नमस्कार, मैं शशांक भट्टाचार्य जी बोल रहा हूँ। तो इसका जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से कुछ नहीं है, जो आपको हफ्ता हफ्ते में, जैसा आप घर तो सफाई करते हैं, वैसा ही घर को सफाई किया, जैसे ही सोलर पैनल थोड़ा सफाई करना चाहिए, वो सफाई करने से आपका जो सोलर चार्जिंग है वो तो ज़्यादा मिल सकता है। अगर नहीं करने से तो उसका सोलर चार्जिंग कम होगा, कि उसके ऊपर डस्ट गिर जाता है, तो उसका यही एक तो मेंटेनेंस है और कुछ नहीं है। अगर आप सोलर मेंटेनेंस करने वाले से उसका सोलर पैनल ठीक रखना चाहेगा, और आपका जो इधर बैटरी है, बैटरी में तो कुछ दिन के बाद थोड़ा थोड़ा देख के पानी कैसा है, डिस्टिल वाटर करीब करीब आपका 2 महीना में एक बार देखने से ही काफ़ी है, आपका वो चल जाता है एक बार। और आप मेरा जो कॉस्ट है, थोड़ा एट ए टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसका आप वो टाइम देखने से नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसका हिसाब से कितना साल में इसका जो पेबैक, शायद मेरा ख्याल से 4 साल में इसका फीडबैक, मतलब जो पैसा आप खर्चा किए थे उसका वो वापस आ गया, वापस आ गया। अच्छा, आप ये जो सेविंग्स जो इतना शॉर्ट टाइम में आप इसका जो पैसा आपका वसूल हो जा रहा है, वो आप कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या क्या सेविंग्स कर रहे हैं आप इस सोलर सिस्टम में? क्या क्या बोलने से, देखिए मैं जो गैस में पहले खाना बनाता था, तो अभी इस गैस का जो कॉस्ट है वो हर महीना में 24 दिन 25 दिन जाता था। अभी एक ठो सिलेंडर मैंने नहीं, एक बार सिलेंडर लिया तो 24 दिन का जगह में अभी जा रहा है 2 महीना 2.5 महीना ऐसा जा रहा है। अच्छा, तो मतलब उसका सेविंग्स आ रहा है आपका साल में हो गया 5 सिलेंडर। पहले साल का आपको कितना सिलेंडर जाता था? मैंने 24 दिन जाता था एक ठो सिलेंडर, मतलब हो गया आपका करीब 14 सिलेंडर। उसमें सर सेविंग्स हो रहा है। अच्छा, उसका बाद क्या हो रहा है, तो मेरा जैसा दोपहर का टाइम जैसा फुल चार्ज हो गया बैटरी, तो हम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा चार्जिंग है 3, 3:30, 4 बजे तक, हम क्या करता है, मेरा जो किराए वाला है उन लोगों को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अच्छा, तो उसका भी थोड़ा कॉस्ट आ जाता है मेरा। अच्छा, तो उसका जो यूनिट्स है करीब करीब बोल लीजिए कम से कम पर डे 1 यूनिट तो होगा ही। ओब्वियसली 1 यूनिट तो होगा ही। वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है? तो ऐसा, तो आप अगर सोचेंगे कि हम रात को ट्रांसफ़र करेंगे तो नहीं होगा ना, रात में तो सोलर नहीं रहता है ना। तो ऐसा आपको सोच समझ के ट्रांसफ़र करना है कि कब आपका सोलर ट्रांसफ़र करना है। जैसा सोलर चार्ज हो रहा है, फुल चार्ज हो गया है, आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया, आप नहीं ले सक रहा है, तो उसको आपको डिवाइड कर देना चाहिए। तो मेरा ऐसा सिस्टम किया हुआ है, मैं क्या करता हूँ दूसरों को दे देता हूँ, तो ऐसा सिस्टम है। और आपका घर में क्या क्या एप्लीकेशन चलता है? मेरा सब चलता है, हम एसी नहीं चलाता है क्योंकि हम खाना बनाते हैं इंडक्शन में, वो इंडक्शन का जो, वो तो 2000 वाट का है,
तो 1200 वाट का सब कुछ खर्चा करता है। ये तो मेरा एसी चल सकता है लेकिन आप चलाते नहीं है। हम चलाता नहीं है क्योंकि हम एसी चलाने से तो हम खाना नहीं बना सकेंगे ना। तो मेरा पर्पस ये था कि खाना बनाना, गैस खर्चा कम करना है और मेरा लाइट फैन सब जलता है। कोई अलग से इसके लिए अलग से आपको लाइन जरूरी नहीं है। जो आपका पहले सब कुछ बोलते कोई देखता है बोलता है कि इसके लिए शायद अलग से लाइन करना पड़ेगा, तो ये गलत है। ये टोटली आपका जो पहले वायरिंग किया हुआ है, पहले जो लाइन किया वही लाइन में चलेगा। तो पहले का जो फैन लाइट वगैरह जो भी था, जो भी था पहले फैन लाइट वैसे ही चल रहा है, तो इसके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किया है। करने का जरूरत भी नहीं है। सेम लाइन है और करीब 3 साल जो हो गया। और मेन चीज़ क्या है आपका, जो जैसे आप सोच रहे हैं कि बादल का दिन में चार्ज ठीक से नहीं होता है, तो आप सोच रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो इसका मशीन का एक खावी क्या है कि आपको ऑटोमेटिक बाईपास हो जाता है। आप थोड़ा सा ऐसा झलक दिखाई देगा लेकिन वो आपको करंट ऑटोमेटिक बाईपास बोलने से करंट में आ जाता है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि करंट आपका बैटरी ख़त्म हो गया बोल के। एक तो सिस्टम अच्छा है कि आपको दौड़ के फिर जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मशीन में ही ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये बोलना चाहता है कि जब इसका जब बादल होता है तो चार्जिंग कम होता है, तो जब चार्जिंग कम होता है तो ये और इन्वर्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पकड़ लेता है, तो अलग से इसको चेंज ओवर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यही ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है धूल का जो बात ये बोल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे तो अभी आई बटन में आपको दिख जाएगा ये वीडियो। तो ये सोलर पैनल अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इसका जनरेशन कम होता है। सबसे पहला जो शौशांको जी बोल रहे थे कि जो धूल जो है पैनल का वो साफ करना जरूरी है। मैटर ये है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं, मैक्सिमम व्यूअर्स या फिर मैक्सिमम लोगों को क्या पता है कि हीट से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, लेकिन ये हीट से इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं करता है, सूरज का जो रोशनी है मतलब लाइट से ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। तो जब डस्ट आ जाता है तो वो क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए जनरेशन कम हो जाता है। अगर आप रेगुलर के बेसिस में अगर आप सोलर पैनल को क्लीनिंग करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है पैनल का 20% इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैं आपको डिटेल में बता दिया। तो सोलर पैनल क्लीनिंग के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ और ऑटोमेटिक क्लीनिंग के रिगार्डिंग और भी एक वीडियो आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब रहिए चैनल में और भी कुछ अपडेट्स के लिए। तो शौशांको जी, आपको मैं एक चीज़ पूछूंगा कि आपको ये इंस्टॉल करने में क्या परेशानियां आई, और इसका जो आप करीब 3 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या परेशानियां आई, जो 3 साल आप यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या परेशानियां आई? नहीं देखिए, 3 साल में जो इंस्टॉल किया है, मैं 3 साल में जो जितना बार प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम बोले से हम क्या करता है उसको पहले आपको बोल के रखे थे कि मेरा जो स्टोरेज सिस्टम है वो सारा कम करके रखने के लिए। तो आपको बोलने के साथ साथ आप मेरा फ़ोन करने का साथ साथ ही आप वहीं से ही कर दिया, मेरे को आने का जरूरी नहीं हुआ उसका। तो ऐसा सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप जो किए थे सही किए थे। अब 3 साल में कोई परेशानी नहीं हुआ इसके लिए कि बार बार आपको फ़ोन करना पड़ा, आप आके देख रहे थे, ऐसा नहीं है। शायद मैं 3 साल में शायद 2 बार या 3 बार शायद आपको फ़ोन किया हूँ, वो भी मैं पहले से सिस्टम चेंज करके रखा था बोल के आपको मैं फ़ोन किया। तो मेरा हम ज़रूरी हुआ कि हम स्टोरेज कम करके रखा तो मैं आपको बोल दिया, सेटिंग्स आप चेंज किया है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ऐसा कि प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए। अच्छा, बार बार आपको दौड़ना पड़ रहा है। और इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आपको क्या परेशानी के लिए? कुछ परेशानी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है आप तो कह रहे हैं खुद अच्छा ही चल रहा है। अच्छा। मेरा ख्याल से ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। थैंक यू दिल से धन्यवाद कहूँगा शौशांको जी को हमारे साथ ये वीडियो में जुड़ने के लिए और हमें सुविधा देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि आप इसको देख सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम का इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो हम करते हैं सब स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें सेकेंड टाइम विजिट करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। और सेटिंग्स का मैटर जो शौशांको जी बोल रहे थे वो है कि इसका जो बैटरी का जो स्टोरेज है, स्टोरेज आप मतलब आप इसको रिजर्व पकड़ कर रखिए। रिजर्व में आप बैटरी रख सकते हैं जितना आपको चाहिए, मतलब आपके वहाँ पे जितना पावर कट होता है, जितना ड्यूरेशन के लिए पावर कट होता है, उसी हिसाब से आप बैटरी को रिजर्व में रख सकते हैं जो पावर कट के टाइम यूज़ होगा। और बाकी जो अमाउंट क्या होगा, जब आपका पावर रहेगा, मान के चलिए शाम हो गया और सोलर चला गया, उसके टाइम कुछ देर के लिए वो परसेंटेज यूज़ होगा, वो परसेंटेज ख़त्म हो जाने के बाद वो ग्रिड में स्विच ओवर हो जाएगा। और ग्रिड में स्विच ओवर होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल आपका जाएगा। अगर ग्रिड में स्विच ओवर होने से पहले अगर आपका सुबह हो जाता है तो वो क्या होता है कि ग्रिड से इलेक्ट्रिक लेता ही नहीं है और दोबारा से चार्ज करके सिस्टम जैसे चलता है चलने चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको वहाँ पे पावर कट एकदम नहीं होता है तो आप इसको लगभग 80 से 90% इसको टोटल यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 10 और 20% आप
इमरजेंसी केस में अगर इनकेस कुछ पावर कट्स वगैरह हो जाता है तो उस टाइम में यूज़ करने के लिए इसको रख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे पावर कट्स ज़्यादा होते हैं तो आपको ये रिज़र्व जो है उसको आप अप टू मैक्सिमम या फिर फुल बैटरी पूरा रिज़र्व में आप रख सकते हैं, आप जैसे चाहते हैं उसको सेटिस कर सकते हैं। तो शौशंक जी ने क्या किया कि यहाँ पे बार बार उनको जो इसका जो मैटर है सेटिंग्स का, स्टोरेज का जो मैटर है, उनको अपने तरफ से उसको अनुभव करना था। तो इसीलिए वो कुछ दिन बाद बाद उसको सेटिंग्स चेंज कर करके उसको समझ लिए है सेटअप क्या है, तो इसके बाद उनको कुछ परेशानियाँ नहीं हो रहा है। तो ऐसा बात है, ठीक है। तो अगेन थैंक यू शशंक जी, ठीक है, ओके ओके।